हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो फिंगर्स हैं काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही हैं, काफी सारे गैप्स फिंगर्स के बीच में मौजूद हैं जो शो करते हैं थोड़ी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी को और साथ ही साथ थोड़े जिद्दी स्वभाव को भी। तो कुछ इस तरह से गैप्स का होना फिंगर्स में व्यक्ति को इंडिपेंडेंट बनाता है। और अगर हम लेंथ की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है और जो इनकी बृहस्पति फिंगर है, इन दोनों की लेंथ लगभग एक समान है। और दोनों फिंगर्स यहाँ पर शनि फिंगर की तरफ, जो यह सेंटर फिंगर रहती है मध्यमा, इसकी तरफ टिल्ट हो रही हैं। और इवन इनकी जो फिंगर है मरकरी, वो भी इसी तरह से टिल्ट होती हुई, सभी की सभी फिंगर्स शनि माउंट की और शनि फिंगर्स की तरफ टिल्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, वैराग्य की भावना लाइफ में सदैव बनी रहती है। तो इस तरह की कंडीशंस भी लाइफ में इनको फील हो सकती हैं। और अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो सूर्य और गुरु, इन दोनों फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है, जिसकी वजह से काफी अच्छी नॉलेज इनके पास रहेगी। और सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी होने की वजह से क्रिएटिविटी काफी अच्छी इनकी रहने वाली है। अगर हम बात करें मरकरी फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर हाई सेट है और लंबाई में काफी अच्छी होती हुई सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज को भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तो अच्छी लंबाई में होना इस फिंगर का शो करता है कि ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी रहती हैं। ओवरऑल शनि फिंगर स्ट्रांग है, थिकनेस यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है मुझे बेस फैलेंजेस से, जो शो करती है काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को। तो ओवरऑल फिंगर्स यहाँ पर काफी अच्छे रिजल्ट देने वाली दिखाई दे रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं इनके माउंट्स को और उसके बाद लाइंस को भी चेक करेंगे और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि इनका बृहस्पति और शनि माउंट काफी हाई सेट हैं और यहां से लाइन डिक्लाइन होती हुई जो शो करती है मरकरी माउंट और सूर्य माउंट थोड़े से लो सेट होते हैं, जो ज्यादा नेगेटिव नहीं है लेकिन थोड़ी शाय नेचर रह सकती है, बड़ी जल्दी ओपन अप नहीं होते होंगे ये औरों के साथ। अदरवाइज गुरु माउंट यहाँ पर मुझे काफी अच्छा नजर आ रहा है, गुरु वल्लया जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर होती हुई, जो आड़ी रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चलती हुई, जो एक तरह से पार्शियल रिंग ऑफ सोलोमन कहलाता है, यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट गुरु वल्लया कुछ इस साइज का बनता है जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह का लाइन अगर किसी के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही रिलीजियस होते हैं और पूरी तरह से धर्म कर्म के कामों में जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह से है कि यह कंप्लीट नहीं है, लेकिन इनको धर्म से जोड़े रखेगा यह चिन्ह और काफी अच्छी नॉलेज देता है। इस तरह का गुरु वल्लया हाथ में बनना, ऐसे व्यक्ति नॉलेज के मामले में काफी एक्सपर्ट रहते हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी तो रहती ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो खड़ी रेखाएं नजर आएंगी आपको ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इन रेखाओं को हम लाइन ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। तो जिनकी आप ये लाइन्स बनती है तो इनकी प्रोग्रेस जो है वो निरंतर बनी रहती है लाइफ में, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज इनको मिलती रहती हैं और ये लगातार तरक्की करते रहते हैं। अब अगर बात की जाए शनि माउंट की, तो शनि माउंट यहाँ पर मुझे दबता हुआ नजर आ रहा है, जो कोई बहुत ज्यादा अच्छा चिन्ह नहीं है। शनि माउंट का इस तरह से यहाँ पर दबना व्यक्ति को हार्डवर्क करवाता है, काफी मेहनत रहती है लाइफ में, लेकिन अगर शनि रेखा अच्छी हो तो हार्डवर्क के साथ साथ कम्फर्ट्स भी व्यक्ति को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर शनि रेखा को भी चेक कर लेते हैं, अब देख सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग शनि रेखा है, तो लाइफ में मेहनत तो रहेगी लेकिन साथ साथ इन्हें एक कंफर्टेबल लाइफ भी मिलेगी, एक
अच्छी, जिसको कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी की मेहनत रहती है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क तो नहीं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारा एक तरह से मानसिक तौर पे इन्हें काम करना पड़ सकता है, जो यहाँ पर इन्हें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस दिलवा सकता है। और अगर देखा जाए तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे इनकी, क्योंकि कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं जिनको हम स्ट्रेस लाइंस भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यह जो लाइंस हैं जो इनकी किस्मत की रेखा को और लाइफ लाइन को, इन सभी लाइंस को काटती हुई जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी रेखाएं लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी पैदा करती हैं। ओवरऑल एक अच्छी शनि रेखा जो पूरी तरह से आगे बढ़कर शनि माउंट तक पहुंच रही हो, यह एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। बेशक कितनी भी हर्डल्स लाइफ में आए, ऐसे व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते और हर्डल्स को पार करते हुए अपने जो मंतव्य है उस तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इनका सूर्य माउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सूर्य माउंट है वो भी मुझे फ्लैट नज़र आ रहा है। सूर्य माउंट के ऊपर भी एक आड़ी रेखा पहुँचती हुई यहाँ से कुछ इस तरह से सूर्य रेखा, जो बहुत अच्छी रेखा नहीं मानी जाती। कहीं ना कहीं यह हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देती हैं ऐसी रेखाएं, और सूर्य रेखा को काटती हुई यह रेखा नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं डिफेम भी इन्हें दे सकती है। अदरवाइज सूर्य माउंट बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है, सूर्य माउंट जो है यहाँ पर शॉर्ट साइज्ड है सूर्य रेखा, तो बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। एक हल्की ओवरलैपिंग लाइन यहाँ से चलती हुई जो इन्हें एक अच्छा सोशल सर्कल ज़रूर देगी, लेकिन इस तरह से आड़ी रेखा का काटना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने देता। आगे आप देख सकते हैं मर्करी माउंट को। तो मर्करी माउंट यहाँ पर अच्छी स्पेस लिए हुए, कोई भी नेगेटिव चिन्ह मुझे यहाँ पर मर्करी माउंट के एरिया के ऊपर नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही क्लियर एंड प्रोमिनेंट मर्करी माउंट, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी मर्करी रेखा यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जो व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमन बढ़ाती है। इस तरह की मर्करी रेखा होने से व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, और बेशक ऐसे व्यक्ति जॉब करें या बिजनेस करें किसी भी फील्ड में हो, अपनी इसी शार्पनेस की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। उसके बाद बात की जाए इनके मनी ट्रायंगल की, तो यहाँ पर बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यह जो लाइन चल रही है इसको हम कहते हैं माइंड लाइन, और यह जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है इस लाइन को कहा जाता है फेट लाइन, और यह जो मैं पहले ही ड्रॉ कर चुका हूं इसको कहा जाता है बुध रेखा यानी कि मर्करी लाइन। इन तीनों लाइनों से मिलकर यहां पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, जो एक बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। इस तरह का ट्रायंगल व्यक्ति को खूब धन दौलत देता है, और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा पैसा अपने पास स्टोर भी कर लेता है। आगे बढ़ते हैं मेजर लाइंस को चेक करते हैं। यहाँ तक हमने माइनर लाइंस को देखा, तो आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई एक विष्णु सिंबल क्रिएट कर रही है, और एक ब्रांच नीचे की तरफ चलती हुई जो मांगलिक होने की पुष्टि करती है। इनके चार्ट में भी मैंने देखा मंगल फोर्थ हाउस में है, तो यहाँ पर ये मांगलिक भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अग्रेशन भी रहेगा इनकी लाइफ में। और विष्णु सिंबल का बनना यहाँ पर एक अच्छा चिन्ह है, यह एक प्रोग्रेस का चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की करते हैं, और अगर किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो जो ऑस्पिशियसनेस है इस चिन्ह की वो जाती रहती है। तो अच्छे रास्ते पर चलकर ही इन्हें पैसा कमाना चाहिए, ये मेरी इनको सजेशन है। आगे देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड। तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन यहाँ किस तरह से चलती हुई, बिल्कुल सीधी माइंड की लाइन यहाँ पर शुरू से चलती हुई और मिडल एज तक लगभग 35-36 की एज तक बहुत अच्छी यह लाइन इनकी, लेकिन 36 की एज के बाद अचानक से डिक्लाइन इस लाइन में, जो एक अच्छा चिन्ह नहीं है। लाइन का डिक्लाइनिंग जाना यानी मानसिक तनाव को बढ़ाना, यहाँ पर मानसिक तनाव बढ़ने के चांसेस, और दूसरी चीज यहाँ पर वीआर लसीविया लाइन होने के जो फॉर्मेशन है, कुछ इस तरह की एक लाइन आड़ी रेखा जब शुक्र माउंट की तरफ बढ़ती है, या यह कह लीजिए कि शुक्र माउंट और चंद्र माउंट को आपस में जोड़ती है जब कोई लाइन, तो इस लाइन को वीआर लसीविया लाइन कहते हैं। इस तरह की लाइन होने से व्यक्ति किसी ना किसी सब्सटेंस के प्रति एडिक्ट हो सकता है आगे चलकर।
एडिक्शन के चांसेस रहते हैं और जिस तरह से इनकी माइंड की लाइन झुक रही है यह भी तनाव को शो करती है, ओवर इमेजिनेशन को शो करती है। तो यहाँ पर इस तरह की रेखाएं होना बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जाता। आगे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएं ट्रैवलिंग देती हैं लाइफ में, काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग रहेगी। और उसके अलावा आड़ी रेखाएं इस माउंट पर कहीं पर भी हों वो ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी मुझे यहाँ दिक्कतें नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की चार रेखाएं यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन को काट रही हैं और आगे इनकी फेट लाइन को भी काट रही हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को शो करता है, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स और साथ साथ हेल्थ रिलेटेड माइनर इश्यूज भी इन्हें आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का भी सामना करना पड़ सकता है। और आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइफ की लाइन को, तो कुछ इस तरह से लाइफ की लाइन चलती हुई और यहाँ से ओवरलैप होती हुई, तो लगभग यह जो एज रहेगी 55 से लेकर 60 के आसपास की एज में कोई मेजर प्रॉब्लम का इन्हें सामना करना पड़ सकता है, जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। लेकिन लाइन का आगे कंटिन्यू होना शो करता है कि लाइफ लंबी रहेगी, लेकिन राउंड 55-60 के आसपास इन्हें अपनी हेल्थ की ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आकर यह हेल्थ खराब होने के चांसेस को तो दर्शाती ही है। साथ ही साथ जब भी लाइन अंदर की तरफ होकर चलती है तो व्यक्ति थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हो जाता है। ओवरऑल लाइफ लंबी रहेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ माइनर प्रॉब्लम्स का सामना इन्हें करना पड़ सकता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स भी इन्हें लाइफ में देखने पड़ सकते हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी यही कोशिश रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।